हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मैजिकल स्टोरी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे तो आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल मैजिकल स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मज़ा आराम से लें। मेरा दावा है कि स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है, इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने हमें अपनी लव स्टोरीज भेजी हैं उन सभी का पूरे दिल से थैंक्स करते हैं, और जो लोग हमें अपनी सक्सेसफुल लव स्टोरीज भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज की स्टोरी का नाम है डेविल बॉयफ्रेंड। तो दोस्तों, स्टोरी का मज़ा लो। मेरा नाम सोमू है, मैं गांव का एक लड़का हूं और गांव में ही रहता हूं। मेरी उम्र 19 साल है और एक शादी के लायक बहन है। मेरे पिताजी एक फार्मर हैं, किसान, और मेरी मम्मी हाउस होल्डर है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन ठीक हैं। दो हमारे पास गायें हैं, मैं 10वीं पास हूँ, गाँव में ही मैंने 10वीं की है, और एक लड़की को पसंद करता हूँ। मेरे ढेर सारे दोस्त हैं, और लेकिन जो सबसे ज़्यादा शरारती दोस्त हैं वो हम पांच हैं। हम पांच अपने बीच में और किसी को नहीं लाते। जब हम हमारे बीच में पक्की बात होती है फिर हम किसी को नहीं लेके आते। मेरी पसंद की लड़की का नाम है सुकन्या। उसके पिता अंधे हैं, उसकी माता नहीं है। जब वो 3 साल की थी उसकी मम्मी की डेथ हो गई, और उसकी एक छोटी बहन है। तो मतलब मैं उसको पसंद करता हूँ, अभी मैं उससे कोई बात नहीं करता। तो बस अब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ तो मैं सुकन्या के आसपास रहता हूँ, क्योंकि वो खेती करती है ना अपने पापा के साथ में। तो मैं हमेशा पेड़ों के बीच में छुपा होता हूँ, कभी आम खाता हूँ तो कभी कुछ करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा छुप के उसको देखता हूँ। तो एक दिन हम लोग खेत में छुपे हुए थे, आम खा रहे थे। तो सुकन्या अपने पिता के साथ में खेती कर रही थी, तो चौधरी आ गया वहाँ पर। चौधरी की नज़र जो थी वो सुकन्या पे पड़ गई। उसने देखा सुकन्या काम कर रही है। सुकन्या बेहद खूबसूरत थी, पतली सी थी, बड़ी भोली थी बेचारी। तो अब चौधरी ने उससे थोड़ी बात करी तो चला गया। अब मेरे को पता चल गया चौधरी ने उसको अपनी आँखों में बसा लिया है, मैं समझ गया था। फिर अगले दिन जहाँ सुकन्या होती थी ना, सच बताऊँ मैं वहाँ पर ही होता था, दोस्तों के साथ छुपा हुआ होता था, नहीं तो कभी सामने भी आ जाता था। तो ये उस दिन अपने घर से नहीं निकली थी, तो मैं पेड़ से देख रहा था इन लोगों के घर के अंदर ही दूर से। तो चौधरी आया, पानी पीने के बहाने उसने दरवाज़ा खटखटाया, पानी मांगा, तो सुकन्या उन्हें पानी दे दिया। बस ऐसे ही कुछ हाल चाल पूछा होगा, मैं तो दूर था, आवाज़ तो मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी अंदाज़ा लगा लिया कि कोई बात करके गया। फिर मैंने अपने दोस्तों को कहा, मैंने कहा यार ये तो मेरा प्लान ख़राब कर रहा है। मेरे दोस्त कहते तू फिक्र ना कर, हम लोग भी कुछ करते हैं। मैंने कहा यार हम लोग क्या करेंगे, वो चौधरी बंदा है, इतना अमीर है, मैंने कहा उसके पास हर किस्म की पावर है, मुझे तो बहुत मरवाएगा वो, अगर उसको पता चल गया कि हाँ ये मैं इसमें इसको पसंद करता हूँ तो। कहते यार कुछ तो सोचने दे, तू बड़बड़ करी जा रहा है। फिर मैं चुप हो गया। फिर मेरा दोस्त बोला, कहता भूत। मैंने कहा कहाँ है? अरे कहता भूत का प्लान। मैंने कहा भूत का प्लान? सही सही मैंने कहा बता क्या चाहता है तू। उसने कहा, कहता हम लोग ना भूत का ऐसा शोर मचा देंगे यहाँ पर कि लोग घर से भाग डरेंगे घर से बाहर निकलने में। मैंने कहा उससे क्या फ़ायदा होगा? कहता चौधरी का ध्यान भूत पे पड़ जाएगा, सबसे ज़्यादा हम उसी को डराएंगे। मैंने कहा ठीक है। हमारे बीच में से ही फिर एक लड़का गया, अपनी दादी की सफ़ेद साड़ी लेके आ गया। उसी दिन से हमने प्लान शुरू कर दिया। अब हम में से कभी कोई सफ़ेद साड़ी पहन के घूमे और हम लोग ही आपस में जोर जोर से चिल्ला के भाग रहे, भूत भूत भूत, चुड़ैल 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 अचुड़ैल। तो हम लोग अपने अपने घर भाग रहे। अरे गांव वालों को बस इतना सुनना था भूत और चुड़ैल, वो पहले ही हमसे पहले अपने घर भाग के छुप गए सब, दरवाजे बंद। फिर हमारे में से कभी कोई पहन लेता और फिर हम खड़े हो जाते, फिर कभी कोई साड़ी पहन लेता, बस ऐसे ही बहुत मज़ा आ रहा था। उस दिन हमने सबसे ज़्यादा मज़ा किया। हमने कहा यार इस गेम में तो मज़ा ही बहुत आ रहा है भूत भूत में। सारे कहते हाँ बस अभी देखता जा। उसके बाद में हम लोग शाम के समय, अभी हमारा अगले दिन का प्लान था ये, अब हम लोग किसी गांव के जो खेती करते हैं उसको लेके चले गए कुएं के पास।
अब हम दो लोगों ने कुएं के अंदर देखा और चिल्लाने लग गए, अरे खून खून खून, और भागे। उस आदमी को पानी भी नहीं उसने देखा कुएं में, बस वो पहले ही भागने लग गया, खून 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 कह के हमारे साथ ही भागने लग गया। हमारी तो हंसी भी छूट रही थी कि हाँ हम लोग पागल बना रहे हैं और ये लोग आराम से पागल बन रहे हैं। बस अब जो शाम को लोग कहने लग गए कि कुएं का जो पानी है वो खून बन जाता है, हमने भी फैला दिया हाँ ऐसा ही होता है। अब हम लोग रोज़ ऐसे करते, साड़ी पहले एक दो करके हम लोग पहनते, उसके बाद हम किसी को कुएं के पास लेके जाते। लोग तो कुएं के पास शाम को जाने से भी डरते थे, बड़ा मज़ा आता। फिर हम लोग पेड़ पर चढ़ जाते जो दोस्त थे, तो अलग अलग आवाज़ें निकालते, हु ऐसे जैसे भूतों की निकालते हैं ना, गाना गाते लड़की की आवाज़ में। अगर कोई नीचे से जाता तो अरे लोग तो इतना डरने लगे, आज मैंने गाने की आवाज़ सुनी थी, कोई कहता आज मैंने चुड़ैल को देखा था, कोई कहता आज मैंने पानी लाल होते देखा। बस जो नहीं भी था ना, सच बताऊँ, वो भी इन्होंने डाल दिया, अरे वो चुड़ैल तो डांस भी करती है, वो चुड़ैल तो अंदर घुस जाती है, लोगों के खाना खा जाती है। अरे यार, एक कुछ करने की देर थी, ये अंधविश्वासी लोगों ने 10 बातें और लगा दी। और हमारा तो अब सच बताऊँ, जो हमने नहीं भी किया होता था ना, वो भी कहते थे भूत ने ये किया। अब हम लोगों ने क्या किया, जब हम साड़ी पहन के फ्री हो जाते हैं ना, लोग अच्छी तरह डर जाते, तो हमारे बीच में से एक लड़का सबसे ऊपर पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ के जाके साड़ी बांध आता। अब जब हवा चलती तो वो साड़ी लहराती ऊपर, और फिर लोग अपनी अपनी छतों से देख कर डरते, हाय भूत हाय भूत, बड़ा मज़ा आता। आज कहते हमने चुड़ैल देखी थी, साड़ी पहन के ऊपर बैठी हुई थी पेड़ के, हम भी कहते अच्छा फिर। अरे लोग ऐसी ऐसी बातें करते, फिर हम लोग क्या, हम लोग पता क्या करते थे, तो मतलब हम लोग पेड़ के ऊपर ना दो चार लड़के बैठ जाते थे, तो किसी ना किसी को गांव से ना लेके आते, जो हमें अच्छा नहीं ना लगता था हम उसको लेके आते थे, तो उसको हम लोग कहते चल यार कुछ चुड़ैल चुड़ैल नहीं है, है ना हम लोग साथ में, तो वो हमारे साथ तक जाता जब पेड़ के ऊपर हमारे दोस्त बैठे होते डंडा लेके, और जब हम उधर जाते तो वो ऊपर से खींच खींच के उस आदमी को डंडे मारते। दो चार लोगों को हमने बड़ी मार पड़वाई, और उसके बाद में तो लोग अब पेड़ों के नीचे भी नहीं जाते थे, इतना हमने डर फैला दिया भूत का कि बस इधर भी भूत है उधर भी भूत है। तो अब जो लोग थे ना, अब चौधरी का ध्यान भी ना सुकन्या से हट के भूत पे पड़ गया। लोग तो सारे गांव के लोग ना 6 बजे अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते, बड़ा मज़ा आता। और अगर कोई छत पे भी जाता तो हम लोग छत पे उधर वो पेड़ के ऊपर ना वाइट कपड़ा साड़ी लगा के डराते अच्छी तरीके से, लोग छत पे भी नहीं जाते थे। अब हम लोगों के घरों में घुसते शाम को, और चुपचाप होली होली पीछे से घुस के उनके सारे बर्तन गिरा के भाग जाते। और ये लोगों ने कहा चुड़ैल तो घर तक आ गई, हमारे बर्तन गिराए। कुछ कुछ तो लोग ऐसे ही बोलते थे, यार मेरा तो गला भी पकड़ लिया था रात को। और हमें इतना मज़ा आता ना, मैंने कहा यार लोगों को कुछ थोड़ा सा बोलने की देर है, 10-15 बातें और लगा के बोलते। कोई कहता आज तो चुड़ैल आ गई थी हमारे घर में, खाना खा के चली गई, कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता, हम बहुत खुश थे। अब हमारा तो काम, हम 5 लड़कों को कोई काम तो था नहीं, ये हमने जो भूत का काम संभाला हुआ था ना, बड़ा मज़ा आ रहा था इस काम में। उसके बाद में फिर हमने टारगेट सबसे पहले हमारा हुआ अब चौधरी का घर। अब बहुत हो चुका था गांव वालों को डंडे पड़वाना या फिर कुछ करना, तो हम लोग शाम को चौधरी के घर गए दो लड़के। हमने कहा चौधरी साहब बहुत हो गया, आप तो अच्छे हैं, आपको आपके पास तो बंदूक भी है, आप हमारे साथ चलो, हम लोग ढूंढते हैं चुड़ैल को। वैसे तो चौधरी डर रहा था, लेकिन ना मतलब हम दो साथ थे ना, तो वो मान गया, चलो कहता मैं चलता हूँ, बंदूक उसने ले ली। तो अब हमें डर भी था, हमने कहा कहीं हमारे दोस्तों के ऊपर फायर ही ना कर दे। फिर भी हम लोग भागे, मतलब सॉरी इसको लेके हम लोग चले गए। अब हम उसी पेड़ के नीचे गए जहाँ पर मेरे दोस्त बैठे हुए थे। चौधरी कहता नहीं नहीं वो पेड़ के नीचे तो चुड़ैल, ऊपर चुड़ैल है। मैंने कहा ऊपर नहीं है, वो उस पेड़ पे थी कल, उधर उधर थी, आज हमने पेड़ चेंज कर दिया था। हमने कहा इधर तो कुछ भी नहीं है। वो कहता अच्छा, हमने कहा हाँ। बस फिर हम उसको पेड़ के नीचे लेके गए, ऊपर से मेरे दोस्तों ने मारे डंडे उसको, भागा वो अपनी गन वहाँ पर ही छोड़ के। फिर बस वो घर में हमारे पास आके कहता, मतलब जब तक हम दूर सब भागे आए ना, दूर हमें जाके कहता यार यहाँ चुड़ैल है, कहता बहुत चुड़ैल दिखती है, मैं नहीं आऊँगा बाहर। हमने कहा कुछ नहीं होता, हम भी तो साथ है ना। फिर हमारे भी उधर से ही ना पेड़ से नीचे उतरा एक लड़का, उसने साड़ी पहनी हुई थी, साड़ी पहन ली थी। चौधरी तो देख के भागा हमसे भी तेज, माय गॉड। हम उसको कह रहे रुक जा रुक जा, रुका नहीं। इसके बाद चौधरी अपने घर जाके उसने दरवाजे खिड़की बंद कर ली। अब हम में से 3 लड़के गए उसके घर के पीछे से, उसके घर के अंदर गए किचन में, हमने वहाँ पर सारे बर्तन उठा उठा के फेंके, चुपचाप बाहर भाग आए।
अरे बाप रे, अब तो हालत ख़राब होगी उस चौधरी की। कहता मतलब सुबह हुई तो उसने शोर मचा दिया, आज तो चुड़ैल ऐसे आई थी, रात को मुझे दिखी थी, सुबह फिर जाके अपनी बंदूक भी वहाँ से उठा के लेके आया। जो तांडव मचाया हुआ था ना, अब हमने डटे हुए थे, हम लोग पीछे नहीं हट रहे थे। हमने कहा इसको चुड़ैल को तो हमने ना असली चुड़ैल बना दिया था कि हाँ भाई अब ऐसे करती है, कोई कहता हमारा घर का खाना भी खा जाती, कोई कहता कुछ कर देती, मेरा गला दबाया, कोई कहता हमारे कपड़े साड़ दिए, कितनी बातें कितने लोग, अरे बाप रे। हम तो जो हमने नहीं भी किया होता था वो भी चुड़ैल का नाम आ जाता, हाँ चुड़ैल ने ऐसे किया। उसके बाद में कई कई लोग तो ये भी कहते थे हमारे घर में भी दिखती है वो। तो उसके बाद में हमारा टारगेट अब बस यही था कि हाँ हमने चौधरी को अच्छी तरह डराना है। हम लोग उसके आसपास ही पेड़ों पे चढ़ जाते डंडे लेके, अगर उनका कोई नौकर वगैरह या कोई भी वहाँ पर आता तो हम अच्छी तरह उसकी धुनाई करते ऊपर से, तो वो भाग जाते वहाँ से। अरे दो चार डंडे पड़ने से ही लोग भाग जाते थे। उसके बाद हम लोग सफ़ेद साड़ी पहन के इधर उधर घूमते, बड़ा मज़ा आ रहा था इसमें भी। उसके बाद उसके पीछे से घर में जाके रोज जाके उसके अच्छी तरह बर्तन गिराते, बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और चौधरी दिन में आके झंडोरा पीटता, आज तो चुड़ैल ने ऐसा कर दिया, आज तो चुड़ैल ने वैसा कर दिया। एक आदमी कहता भाई अब तो मतलब हम लोग ना ये गांव छोड़ के चले जाएंगे। धीरे धीरे चुड़ैल का हमने इतना आतंक मचा दिया कि लोग जो थे वो धीरे धीरे गाँव छोड़ के जा रहे थे। हमने कहा चलो ठीक है, पर हम पाँच अपनी अपनी जो परिवार है उसको संभाले हुए थे, हम कहते थे हम लोग हैं ना, डरो मत डरो मत। बस अब चौधरी जो था वो भी कहता मैं गांव छोड़ के चला जाऊंगा। आ आया असली मज़ा। हम लोग तो बड़े खुश थे, हमने कहा चलो गांव तो छोड़ने की सोची इसने। उसके बाद में हम वहाँ कुछ ना कुछ करते रहते थे। चौधरी के जहाँ पर भैंसे बंधी होती थी ना, कभी हम उस पेड़ पर चढ़ जाते थे और वहाँ से हु करके उल्टे सीधे मुँह मास्क मुँह पर लगा के, मुँह पर कभी सफ़ेद पाउडर सा लगा के, बस वो डराते थे हम लोग उधर सबको। उसके बाद में वो भी दिन आया जब चौधरी ने अपना सारा सामान बांधा और दूसरे गांव में भी इसकी हवेली थी वहाँ चला गया रहने के लिए। अब ये हवेली हो गई खाली। अब मेरे दिल को चैन आया, पर जो चुड़ैल का डर था ना वो कभी ख़त्म नहीं हुआ इस गांव से। अभी भी बातें करते हैं कि हाँ चुड़ैल ऐसे करती थी, चुड़ैल वैसे करती थी, बड़े लोगों ने हवन कराया लेकिन अब हमने कांड करने बंद कर दिए थे सच बताऊँ तो। इसीलिए अब हम चौधरी चला गया था तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी। फिर सुकन्या से मैं बातें करता था जा के, मैंने कहा कहीं और किसी और कोई ना पसंद कर ले। कभी मैं उसको गन्ने देता था जाके, कभी उसको खीर देता था जो माँ बनाती थी। सुकन्या भी मेरे से बड़े प्यार से बात करती थी। तो फिर एक दिन मेरी माँ ने मुझसे पूछा तू शादी किससे करेगा। मैंने कहा माँ जो तेरी पसंद वो मेरी पसंद। मेरी माँ ने पता नहीं कौन सी लड़की बताई है, हाय मैंने सोचा था ये सुकन्या का नाम लेगी। मैंने कहा माँ ऐसे क्यों किसी की ज़िंदगी ख़राब करनी। माँ कहती मैं किसकी ज़िंदगी ख़राब कर रही हूँ। मैंने कहा वो सुकन्या, मैंने कहा बेचारी की माँ भी नहीं है, देखो उसका बाप भी अंधा है, तो हम लोग उससे शादी करके थोड़ा सा अच्छा काम कर ले। मेरी माँ हंस पड़ी। मेरी माँ कहती सीधा क्यों नहीं कहता तूने उससे शादी करनी है, घुमा क्यों क्यों बोल रहा है कि हाँ अगर हम उससे शादी कर लें तो एक अच्छा काम हो जाएगा। मैं हंस पड़ा। बस फिर क्या था, मेरी माँ मेरे बापू को लेके उसके घर गई, बात करी, उन लोगों ने ना नहीं करी, कहते ठीक है हमें रिश्ता मंजूर है। बस एक छोटी सी हमारी शादी हो गई और मेरा जो टारगेट था सारा कुछ पूरा हुआ, भगवान की दया से, अपनी प्रार्थनाओं से सब कुछ पूरा हुआ कि हाँ चौधरी भी भाग गया, उसकी बुरी नज़र जो थी सुकन्या से भी हट गई, फिर मेरी शादी भी हो गई। अब मैं जो था अपने इधर भी काम करता था खेत में, लेकिन थोड़ी देर जाके मैं उसके खेत में भी काम करता था ताकि उसके बापू को भी कुछ मिल जाए पैसे वगैरह, और उसकी बहन जो थी उसकी भी कहीं शादी हम लोग ही कराएंगे उसकी। तो फिर दो बच्चे हुए हमारे, धीरे धीरे साल बीते तो उसकी बहन की भी शादी हम लोगों ने करा दी एक अच्छे लड़के के साथ में। उसके बाद में जो उसके पापा थे वो अकेले रह गए थे ना उसका बापू, तो हम लोग उसको अपने घर ले आए, क्योंकि हम लोग गांव के लोग हैं, हम लोग भेदभाव नहीं करते, हर एक के साथ प्यार से रहते हैं, जो हमसे प्यार से बोले बस हम लोग उसी के हैं। तो हम उसको अपने घर ले आए, बड़े प्यार से रखा उनको भी एक कमरे में। सुकन्या फिर बड़ी खुश थी कि हाँ कहती तुमने मेरा सब कुछ पूरा किया। तो अफेयर तो खैर शुरू से मेरा उसके साथ नहीं था, लेकिन मैं उसकी बात सारी मानता था, बड़े प्यार से हम लोग सारे त्यौहार मनाते रहे, तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी तरह कटी हमारी। तो इतनी ही मेरी छोटी सी कहानी है, जिस तरह मैंने शरारतें करी तो भूत बन के लोगों को डराया, ये सुनाने लायक था, तो मैंने आप लोगों से अपनी कहानी शेयर करी है। अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
तो दोस्तों, अभी तक बने रहने के लिए आप लोगों का बड़ा धन्यवाद। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आई होप आपकी सराउंडिंग्स जो है, आपके नियर वंस, आपके डियर वंस और आपके लव वंस से हमेशा सराउंडेड रहे, आपके ऊपर प्यार की बारिश हो, गॉड हमेशा आपको अच्छी अच्छी चीज़ों से ब्लेस करता रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।